गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो ऑफ चैप्टर 9 प्रोड्यूसिंग फूड. सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी हैड स्टडीड अबाउट हाउ टू प्रिपेयर सॉयल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. इन द सेम मैनर आई विल स्टार्ट द टॉपिक हार्वेस्टिंग, दैट इज ऑन 7th point. What is harvesting? When the crop matures, it has to be cut close to the ground. The process of cutting mature crop plant is called harvesting. It is done either by sickles or machines called harvesters. So children, the harvesting is a process of cutting mature crops. जब crops ready हो जाते हैं, fields में तैयार हो जाते हैं, तो इसको फिर cut करने की ज़रूरत होती है. तो ये mature crop हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, और या तो इसको harvesters के through cut किया जाता है या फिर sickles के through cut किया जाता है. But now in these days only the crops are cutting by the harvesters. Here is machine, you can see it is called harvester. ये machine है और इस machine के through बड़े बड़े fields, काफ़ी बड़े बड़े fields को harvest कर दिया जाता है, crops की cutting कर दी जाती है. Okay, and the next step is threshing. The process of separating grains from the harvested crop is known as threshing. The process of separating grains. अब जब crops cut हो गए हैं तो इसके crops से grains निकालने की ज़रूरत होती है. तो grains कौन से process में निकलता है? Threshing के through. So in this, threshing is done by separating the harvested crop on the ground and spreading the harvested crop on the ground and walking over it. इसको जो crops harvest किए गए हैं उसको पूरे ground में spread कर दिए जाते हैं, फैला दिए जाते हैं और उसके ऊपर walk किए जाते हैं. Animals such as bullocks and camels are used for this purpose. इस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए एनिमल्स भी कहीं कहीं यूज़ किए जाते हैं, बुलक्स और कैमल्स, इस तरह के एनिमल्स यूज़ किए जाते हैं ताकि वो उसके ऊपर वॉक करें और फिर जो मैच्योर जो क्रॉप्स थे कटे हुए उसमें से ग्रेन्स सेपरेट हो जाएं, निकल जाएं. सो इन लार्ज फार्म्स अ मशीन कॉल्ड थ्रेसर इज़ यूज फॉर थ्रेशिंग. इन दिस थ्रेशर अब इस तरह के मशीन्स भी यूज़ किए जाने लगे हैं जिससे ये थ्रेसिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया जा सके. ठीक है, इसमें फिर ये बुलक्स और कैमल्स जैसे एनिमल्स की ज़रूरत नहीं होती है. होल द वर्क दिस मशीन डू इट्सेल्फ. ओके, नेक्स्ट प्रोसेस इज विनोइंग. आफ्टर थ्रेसिंग द शाफ is removed by the grains by wind. This is known as winnowing. जब threshing हो जाता है तो फिर इसको क्या किए जाते हैं? Winnowing किए जाते हैं, मतलब कुछ इसमें उसके particles जो crop के particles जो रह गए हैं उसको separate करना है. अभी ये दोनों mix हो गए हैं, इस process में वो दोनों mix हैं, क्रॉप्स भी ग्रेन्स भी हैं और शाफ भी हैं इसमें. अभी इन दोनों को अलग करना है. हम लोगों को किसकी ज़रूरत होती है? ग्रेन्स की. तो इसके लिए कौन सा प्रोसेस किया जाता है? विनोइंग. इन दिस पिक्चर यू कैन सी द प्रोसेस इज डन बाय द फार्मर्स, यहाँ पे बाय द वर्कर्स ये किस तरह से कर रहे हैं. सो इन दिस प्रोसेस द थ्रेस्ड ग्रेन आर मेड टू फॉल From a certain height, इस तरह से हाइट से उसको गिराया जाता है. ठीक है,
और इसके बाद क्या होगा, द सीड बींग्स हेवियर एंड फॉल डायरेक्टली ऑन ग्राउंड, सीड जो होंगे वो नीचे यहाँ ग्राउंड पर गिरते जाएंगे, जो ग्रेन्स हैं। सो चिल्ड्रेन, इन दिस प्रोसेस द थ्रेस्ड ग्रेन्स आर मेड टू फॉल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। इसमें जो थ्रेस्ड ग्रेन्स होते हैं उनको एक हाइट से, इस तरह से आप देख सकते हो, इन दिस पिक्चर अ मैन हैड स्टैंड इन अ हाइट प्लेस, एक हाइट प्लेस पर यह खड़ा है और फिर इसमें से इस तरह से वो इसको फॉल करेगा, नीचे गिराएगा। द सीड्स बींग हेवियर फॉल डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड वाइल द लाइट शाफ्ट फॉल्स स्प्रेडली एंड द विंड ब्लोज इट अवे। जो इसमें से शाफ्ट होते हैं वो उड़ करके, हवा की वजह से उड़ करके निकल जाते हैं और जो ग्रेन्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। ओके, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। सो हाउ डू द ग्रेन्स स्टोर्ड, द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन, द क्लीन ग्रेन्स आर देन पुट इन गनी बैग्स। उसको ड्राइड किया जाता है, सुखाया जाता है और उसके बाद फिर उसको गनी बैग्स में डाल दिया जाता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू गोडाउन्स नोन एज ग्रेनर्स और सिलोस। इट इज़ अ ड्राई कूल प्लेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम रैट्स इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। दिस ग्रेनरीज, ये जो जगह होते हैं और गोडाउन्स, इसको ये ऐसे जगह होते हैं, ऐसे प्लेस होते हैं जो रैट्स से और इंसेक्ट से प्रोटेक्टेड होते हैं। यहाँ पर इस तरह की इंसेक्ट्स और बर्ड्स नहीं जाते हैं ताकि ग्रेन्स प्रोटेक्ट रहें, वो सेफ रहें। ओके, डू यू नो चिल्ड्रन, फेस्टिवल्स सच एज बैसाखी इन पंजाब, बिहू इन असम, ओनम इन केरला एंड पोंगल इन तमिलनाडु आर एसोसिएटेड विद द हार्वेस्टिंग सीज़न। ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं ये हार्वेस्टिंग सीज़न में मनाए जाते हैं, जब इनके क्रॉप्स हार्वेस्ट हो जाते हैं। हार्वेस्टिंग दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ कटिंग मैच्योर क्रॉप्स, इट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो जब क्रॉप्स तैयार हो जाते हैं, कटिंग होते हैं, तो उस समय ये लोग अपने इस तरह फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। हाउ वी गेट फूड ग्रेन्स, द हार्वेस्टेड ग्रेन्स स्टोर्ड इन ग्रेनरीज और सिलोज आर ट्रांसपोर्टेड इन ट्रक टू होलसेल मार्केट फॉर सेल। ये सारे जो ग्रेन्स पैक हो जाते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से ये कहाँ जाते हैं, ग्रेनरीज में, सिलोज में जाते हैं और वहाँ से निकल कर के ट्रक के थ्रू ये होलसेल मार्केट में आते हैं सेल के लिए। फिर वहाँ से होलसेल मार्केट से कौन इनको परचेज करता है, शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स। तो होलसेल मार्केट से शॉपकीपर्स और वेंडर्स बाई करते हैं फूड ग्रेन्स को और उसके बाद ये फिर शॉपकीपर्स, जो छोटे छोटे दुकान वाले होते हैं, उनको ये देते हैं और वहाँ से फिर द फूड ग्रेन्स बॉट बाय अस एंड आर कुक्ड एंड ईटन। हम लोग फिर शॉप से उसको परचेस करते हैं, फिर वो कुक होता है और हम लोगों के द्वारा उसको ईट किया जाता है। सो चिल्ड्रेन, दिस इज़ हाउ वी गेट आवर फूड। इस तरह से ये जो हम लोग फूड ईट करते हैं इतना ईजली, जो आपको शॉप से मिल जाता है, परचेस कर लेते हैं, उसका ये क्या था, यस इट इज़ जर्नी ऑफ फूड। ये फूड का जर्नी था, हाउ इट्स कम्स इन आर किचन्स, ये हम लोगों के किचन तक कैसे आता है। ओके, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, वन टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग मैनी फार्मर्स हैव देयर ओन स्मॉल फील्ड्स, ऑल द मेम्बर्स ऑफ फैमिली वर्क इन द फील्ड, द यील्ड फ्रॉम दिस फार्मिंग इज इनफ ओनली फॉर द फार्मर्स फैमिली।
ये दिस टाइप ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये ऐसा फार्मिंग होता है जिसमें जो छोटे छोटे फार्मर्स, जो पुअर टाइप के फार्मर्स होते हैं, वो इस तरह की फार्मिंग करते हैं। और इसमें ये जितने भी इनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सारे मिलकर के अपने फील्ड में वर्क करते हैं। और इसमें जो भी ग्रेन्स उगाए जाते हैं वो इतना ही होता है कि ये अपने सिर्फ फैमिली तक के लिए ही लिमिटेड होते हैं। उसको ये आगे का जो प्रोसेस है मार्केट तक लाने का, उससे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये इनके जो फील्ड हैं काफ़ी कम एरिया में होते हैं, इसलिए वो ग्रेन्स भी उतने ही हो पाते हैं। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे फार्मर्स हैं जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं? अ स्मॉल फार्मर्स हु प्रैक्टिस सब्सिस्टेंस फार्मिंग जनरली डिपेंड ऑन रेन फॉर देयर क्रॉप्स। दे आर पुअर, सो दे बोरो मनी टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, तो ये सिर्फ रेन पर ही, बारिश पर ही डिपेंडेंट होते हैं कि जब बारिश होगी तो ये अपने क्रॉप्स को क्या करेंगे, सोइंग सीड्स और आगे के जितने भी प्रोसेस हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये दिस टाइप ऑफ फार्मर्स टेक अवे, दिस टाइप ऑफ फार्मर्स जो होते हैं ये बड़े फार्मर्स से पैसे लेते हैं उससे अपने आगे के प्रोसेस को पूरा करने के लिए, जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह जो उसमें डालने होते हैं उसके लिए वो लोन लेते हैं और इसको फिर लोन को पे बैक करते हैं। जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनको वापस देते हैं। एट टाइम्स द बिग फार्मर्स टेक अवे द लैंड ऑफ अ स्मॉल फार्मर्स इफ दे फेल टू रीपे द लोन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो फार्मर्स हैं, जो पुअर फार्मर्स हैं, वो अपने लोन को रिटर्न नहीं कर पाते हैं, तो ये बिग फार्मर्स उनके लैंड को ले लेते हैं एंड दे देन बिकम लैंडलेस फार्मर। और उसके बाद फिर ये जो जिनके पास अभी एक छोटा जगह हुआ करता था, अब वो भी ख़त्म हो जाता है, तो वो लैंडलेस फार्मर हो जाते हैं फिर। एंड दे हैव नो ऑप्शन बट टू वर्क ऑन द फार्म्स ऑफ अदर बिग फार्मर्स हु एक्सप्लॉइट देम बाय गिविंग पुअर वेज। सो एट टाइम्स दे आर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड मूव आउट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। जब इस तरह से सारी चीज़ें इनके पास से ख़त्म हो जाती हैं तो ये फिर सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं कुछ काम ढूंढने के लिए, काम करने के लिए। तो इस मूवमेंट को माइग्रेशन कहते हैं। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। एंड द गवर्नमेंट हाउएवर हैज़ अ वेरियस स्कीम्स टू हेल्प स्मॉल फार्मर्स। गवर्नमेंट के भी कुछ स्कीम्स हैं जो इस तरह के फार्मर्स की मदद करते हैं। ओके, सो द ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। वी नीड टू इंक्रीज आवर फूड प्रोडक्शन। फार्मर्स आर यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स, मॉडर्न इरीगेशन फैसिलिटीज़, मैन्योर फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, काफ़ी बढ़ते जा रहा है, तो इससे हम लोगों की जो नीड है क्रॉप्स की, जो ग्रेन्स की नीड है, वो और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है? अच्छे मेथड्स, साइंटिफिक मेथड्स क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और जो भी फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स हैं ये अच्छे से अच्छे गुड क्वालिटीज़ के यूज़ किए जाने चाहिए। और किस तरह से और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से फार्मिंग की जाए, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ओके चिल्ड्रेन, सो दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड हियर। नाउ दिस इज़ टाइम टू डू द एक्सरसाइज। टेक द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लगिंग। सेकेंड, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स इज डन विथ अ
here is option, right option, sickle. So harvesting of crops is done with a sickle. Third, clean grains are stored in, clean grains are stored in where? In silos. Fourth number, removal of a chaff from the grains with the help of wind is called, so children, this process is called, yes, right answer is winnowing. Okay, now come to the next B number exercise. Fill in the blanks. Plugging in bigger field is done by tractors. Second, farmers add manure to make the soil rich in minerals. Rich in minerals. मैन्योर क्यों मिलाया जाता है? ताकि उसमें और भी अच्छे से सॉइल में मिनरल्स मात्रा बढ़ जाए और क्रॉपिंग प्रॉपरली हो पाए. थर्ड, सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड बाय स्मॉल फार्मर्स. फोर्थ, द मूवमेंट ऑफ स्मॉल फार्मर्स फ्रॉम विलेज टू अ बिग सिटीज इज कॉल्ड माइग्रेशन. एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं, विलेज से बिग सिटीज़ की तरफ जाते हैं अपने लिए वर्क की, काम की तलाश में, उसको कहते हैं माइग्रेशन. एक मूवमेंट है एक जगह से दूसरे जगह जाने का. फिफ्थ, द प्रोसेस ऑफ कटिंग मैच्योर क्रॉप्स प्लांट्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. ओके, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. How are weeds removed? Yes, so weeds are removed by the hands, trowels and weedicides. Second question, name the three type of irrigation. Name of three type irrigation, जिससे fields में क्या किया जाता है? Yes, irrigation, that means सिंचाई की जाती है. So the types of irrigation is furrow irrigation, flood irrigation and sprinkler, by the sprinkler. So you can write any of two from these. No, this is three types, so you have to write down three, all of this. Tino likhna hai. Okay, so children, short answer question and long answer questions answer I will give you in PDF form. Write down properly in your notebook and learn as well. Thank you.